एसडीएम ज्योति मौर्या और उनके पति आलोक मौर्या के बीच चल रहे विवाद में हर रोज एक नया एंगल और नई बात देखने को मिल रही है। इस बीच इस मामले को लेकर ज्योति मौर्या के पति आलोक मौर्या ने सीधा सीएम योगी से शिकायत की है। आलोक ने सीएम योगी को भेजे गए शिकायत पत्र में कहा है कि मनीष दुबे के नंबर की कॉल डिटेल निकालने से पता चल जाएगा कि मनीष और ज्योति 24 घंटे में लगभग 15 घंटे एक दूसरे से बात करते हैं। हर रोज करीब 100 बार एक दूसरे की तरफ से जो है कॉल की जाती है। आलोक ने कहा है कि मनीष दुबे के सीयूजी नंबर की व्हाट्सएप चैटिंग निकलवाने पर मेरी हत्या की साजिश और आपस में शादी करने की बात और अश्लील बातों की चैटिंग भी सामने आ जाएगी। आलोक ने कहा है कि मेरे पास कुछ व्हाट्सएप चैटिंग का स्क्रीनशॉट और कॉल डिटेल मौजूद है जिसमें ये स्पष्ट है कि ये लोग मेरी हत्या कर मेरे बच्चों का भविष्य खराब कर आपस में शादी करना चाहते हैं। आलोक मौर्य का दावा है कि मनीष दुबे के संबंध न केवल ज्योति के साथ है बल्कि कई और महिलाओं के साथ भी उनके संबंध रहे हैं। शिकायत में आलोक मौर्य ने कहा है कि मेरे उस समय होश उड़ गए जब व्हाट्सएप चैटिंग में देखा कि ये लोग आपस में शादी करना चाहते हैं और शादी के लिए बाधा बन रहे पति आलोक की हत्या करवाना चाहते हैं। मनीष ने कई और लड़कियों के साथ धोखा किया है। इसी के साथ मनीष का उनकी पत्नी के साथ विवाद पारिवारिक न्यायालय में चल रहा है। आलोक ने शिकायत पत्र में कहा है कि मनीष ज्योति के साथ मिलकर मेरी हत्या करके शादी करना चाहते हैं। मनीष की शिकायत पहले ही कई लड़कियों ने डीजीपी से की थी जिसमें मनीष पर गंभीर आरोप लगे हैं। आलोक ने शिकायत में कहा है कि मनीष दुबे मुझे धमकी देते हैं और कहते हैं कि तुम ज्योति को तलाक दे दो नहीं तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी। आलोक ने कहा है कि ज्योति और मनीष दोनों शादीशुदा होने के साथ ही प्रतिष्ठित पद पर होते हुए ऐसा अपराध कर रहे हैं। ऐसे में ये लोग जनता के साथ अपनी ड्यूटी के दौरान क्या करते होंगे ये अंदाजा लगाया जा सकता है। आलोक ने कहा है कि ज्योति मौर्य मनीष दुबे और उनके भाई सचिन झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं। कहते हैं कि मैं इतने बड़े पद पर हूं कि मेरे एक फोन कॉल से तुम जेल चले जाओगे। आलोक ने कहा है कि पिछले महीने 22 मार्च 2023 को मनीष दुबे ने एलनगंज प्रयागराज में मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। मनीष दुबे मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाकर जान से मुझे मारना चाहते थे। मनीष ने मुझे धमकाते हुए कहा था कि तलाक पेपर पर साइन कर देना वरना मारे जाओगे। आलोक ने कहा कि मुझे पता चला था कि ज्योति मौर्य ने पारिवारिक कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की है। मनीष और ज्योति मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं कि नोटिस मिलने के बाद तलाक पेपर पर साइन कर देना वरना जान से मारे जाओगे। आलोक ने कहा है कि उनके साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो इसकी जिम्मेदारी जिला कमांडेंट मनीष दुबे और सचिन मौर्य और ज्योति मौर्य की होगी। आलोक ने कहा है कि मेरी जान माल की सुरक्षा के लिए मनीष दुबे और ज्योति मौर्य का पद समाप्त किया जाना जरूरी है। इसी के साथ मनीष ज्योति और सचिन मौर्य के विरुद्ध एक FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई इस मामले में की जानी चाहिए। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।